दोस्तों ये है सुबह 6 जून की मॉर्निंग और ये देखिए सुबह 7 बज चुके हैं और इधर देखिए मौसम का हाल, मौसम कैसे एकदम से ना चेंज हो गया। हम ऊपर छत पर सोए थे रात को, तो रात को इतनी अच्छा मौसम था, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बढ़िया मौसम था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अभी 7 बजे हैं और ऊपर कैसे एकदम से आंधी आ गई और ऐसे काले बादल हो गए और इसके बाद ना बारिश होगी जल्दी से, इतनी तेज़ बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि आज सारा दिन ना बस बारिश ही होती रहेगी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर ऐसा है ना कि जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ ना भगवान के हाथ ही होता है। इंसान तो सोचता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मगर इंसान से होता कुछ नहीं है, जो भगवान ने लिखा होता है वही होता है। और इधर ना हमारी दुकान का कुछ इमरजेंसी का सामान ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड ने ना आज सुबह लेके आना था सामान, मगर बारिश की वजह से मौसम की वजह से ना वो सामान नहीं ले पाए। तभी वो कहते हैं ना कि जो भगवान ने जो लिखा होता है वही होता है, इसलिए हमारा आज ना सामान आने से रह गया है, कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब बच्चों का सामान थोड़ा इमरजेंसी वाला ही है, और उसके बाद करियाना भी कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर उन्होंने वो भी लाना था, वो फिर अब कल पर चला गया सारा काम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम देख लेते हैं कि हमने आज मैंने सारा दिन मतलब अपने ब्लॉग में क्या किया, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इधर बस मैंने कूलर भी निकाला था कुछ दिन पहले, जब मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो फिर अभी जैसे मौसम एकदम से बदल जाता है, मौसम का पता नहीं चलता कि कब बारिश आती है, कब धूप होती है, कब गर्मी आ जाती है, तो फिर बस ऐसे कूलर में ना पानी पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही ना कूलर में पानी पड़ा रहा तो फिर उसमें ना मच्छर हो जाते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। तो फिर मैं वही एक लंबा सा पाइप लेकर ना पानी निकाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा लास्ट में बच गया था, ये पाइप से निकल नहीं रहा था, तो फिर इसको मैं डिब्बे से निकाल रही हूँ। ऐसा करने से ना मतलब हमारी थोड़ी क्या बोलते हैं सफाई रहती है। अब कूलर को मैंने अच्छी तरह से सुखा दिया है और उसको साइड में कर लिया है, क्योंकि अब कूलर को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब पंखों से काम चल जाता है। तो फिर इधर मैं जो थोड़ा सा पानी निकला था ना कूलर का, उसी को आगे झाड़ू से कर रही हूँ। तो इधर मैं अब अपना मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लूँगी, जो मैं नहाने से पहले 2-3 दिन में मतलब लगा ही लेती हूँ। ये ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे ना हमारी स्किन टाइट होती है, और आपको भी ये लगाना चाहिए डेली, क्योंकि हम औरतों का ऐसा है ना कि पूरे परिवार के लिए टाइम देती है, मगर अपने लिए टाइम हम आलस कर जाते हैं। जब हमने अपना अपने लिए कुछ करना होता है ना, तो वही हम सोचते हैं कि चलो पार्लर में चले जाते हैं, शादी ब्याह जब कोई हो ना, तो इससे अच्छा है ना कि हम घर में कुछ ना कुछ करते रहें। तो इधर बस मैं अब नहा के आई थी, तो फिर अपना डेली का जो हमारे बेसिक मेकअप होता है मैं वही कर रही हूँ, जैसे लिपस्टिक हुई, काजल, सिंदूर, क्रीम वगैरह लगाना, जो बिंदी लगा रही हूँ अब, ये ना छोटी बिंदी है, इसमें ना कितनी बहुत ज़्यादा बिंदी है, इसमें मल्टी भी है, मेहरून भी है, ये पत्ता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हम हाउस वाइफ्स के लिए ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पार्टी वगैरह में जाने तो थोड़ी फैंसी बिंदी लग जाती है, इसलिए ये घर में लगाने के लिए ना ये बेस्ट है। और ये बहुत सस्ता पत्ता आता है, ये ना 5 रुपये का आता है बस। तो फिर इधर मैंने अपना सारा मेकअप कर लिया, और इयररिंग मैं थोड़े से बदल के ही पहन लेती हूँ, कभी थोड़े लंबे पहन लिए, कभी छोटे पहन लिए, ऐसा ना मुझे अच्छा रहता है। और ये सूट ना मैंने आज थोड़ी ठंड थी तो ये फुल बाजू का तब पहन लिया, ये मेरा सूट काफ़ी पुराना है और ये ना मुझे अच्छा लगता है, नेट का सूट है ये, और फुल बाजू ना मैं गर्मियों में नहीं पहन सकती, मैं सर्दियों में ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे ना फुल बाजू का नहीं पहना जाता। तो फिर अभी ऐसे मौसम ठीक था तो फिर मैंने इसको आज निकाल लिया, तो फिर मैं इसको पहन लेती हूँ। तो इधर मेरी बेटी भी बैठी थी, उसके मैं बाल बना रही हूँ, बस उसका मुंह थोड़ा कुछ ऐसा हुआ है, वो ना खेल रही थी, तो फिर वो बोल रही थी कि मम्मा मेरी ना चोटियाँ कर दो, उसके चोटी होती नहीं है क्योंकि उसके बाल अभी छोटे हैं ना, तो फिर मैं उसको बस ऐसे ही 2 मिंडियाँ उसके आगे लगा कर, उसको रबड़ लगा कर ना ऐसे ही सेट कर देती हूँ। तो बच्चे अब इधर अपना क्या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो फिर बड़ी बेटी भी मेरी नहा धोकर बैठी थी अपना, उसका भी मैंने बाल वगैरह बना दिए थे, तो बस बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा सा मतलब बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आजकल खेलने में ही बिज़ी रहते हैं, तो ना कभी कभी ना बच्चों के साथ मतलब बैठना भी चाहिए, उनसे
पूछना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर ऐसे, तो फिर वही मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो इधर ना ये कुछ मेरे कपड़े सर्दियों वाले ना मैंने एक डिब्बे में रखे थे इसको, और ऐसे ही ना एक कमरे में रख रखे थे, तो ये बेचारे कब के ही पड़े थे। जब की सर्दियाँ भी ऐसी पड़ी जाती ही नहीं थी, तो बच्चे जब स्कूल जाते थे ना, बस मार्च तक उनके ये चले थे कपड़े। तो फिर उन्हीं को ना मैं अब सेट करके बेड में डाल दूँगी, बॉक्स बेड है ना, उसमें बच्चों के एक कपड़े साइड में करके रख दूँगी। तो फिर अभी जब स्कूल खुलेंगे, अभी देखते हैं, शायद स्कूल इनके सर्दियों में ही खुलेंगे, जैसे हालात हो रखे हैं अभी हमारे, पता नहीं क्या हो रहा है अभी, क्या क्या होगा और 2020 में। तो फिर यही चल रहा है, अभी देखते हैं, क्योंकि अभी पंजाब में ऐसा है ना, पंजाब में हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब पंजाब से बाहर नहीं जा सकते। अभी अभी हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, और फिर मैंने उनको वही शरबत दिया, और फिर आते ही वो ना पर सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं और नहाते हैं। आप भी अगर मतलब बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर बाहर से कहीं आते हैं ना, तो प्लीज़ पहले आप नहाइए, और जो कपड़े आपने पहने होते हैं ना उनको ना धुल के रखिए, ऐसे ही बाथरूम में मतलब या फिर इधर उधर मत रखिए, क्योंकि हम ना जाने अनजाने बहुत ज़्यादा अपने साथ वायरस अंदर लेकर आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इससे ना हम अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आज की जो हमारे देश की कंडीशन है ना, वो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। कहने को तो बता रहे हैं न्यूज़ में कि इतने केस हो गए, इतने रिकवर हो गए, बट आज न्यूज़ में बता रहे थे कि इटली ने ना जीरो कर दिया है, इटली कोरोना मुक्त हो गया है देश। और सोचिए, वहाँ छोटा देश है, चलो वहाँ तो आबादी 50 लाख है, फिर भी उन्होंने मतलब उनके मेडिकल की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हमारे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है, और वो इतना एडवांस है इटली हमारे देश से। जो उन्होंने यही किया कि उनकी जो वहाँ की मतलब मिनिस्टर थी, उसने तुरंत लॉकडाउन कर दिया, तो इसके लिए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। बाहर जाते थे तो फिर अपना मतलब उनको ऐसे होता था, उन्होंने तभी ये रिकवर हो सकी है। और हमारे इंडिया में ऐसा है ना, हमारे तो इधर आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए प्लीज़ आप जितना हो सके ना इस वायरस को लाइटली मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक है। हमको ऐसे नहीं पता चलता, जब हो जाता है ना, जब हमारे अंदर चला जाता है, और हमको तो नुकसान करता ही है, और हमारे परिवार को भी बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और बाहर जाते समय प्लीज़ सेफ्टी रखिए, यही अपना मास्क वगैरह लगा के रखिए, भीड़ वाले एरिए में मत जाइए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में खुल ही गया है। तकरीबन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ नहीं खुला है अभी, उधर तो मतलब उनका ही, उन राज्यों का ज़्यादा वहाँ से ही केस आ रहे हैं। और आज तक की न्यूज़ कि हमारे इंडिया में 2,36,000 तक केस हो चुके हैं। और अगर दोस्तों, अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना सिलसिला, तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक हमारी 70% मतलब दुनिया को ग्रस्त कर ही देगा ये वायरस। इसलिए प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, इसके मतलब जागरूक रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी बाहर निकलिए, पर लोग समझते ही नहीं हैं, चले हैं झुंड बना बना के। पहले भी तो रहे थे हम, जब 21 दिन का हमारा लॉकडाउन हुआ था तब भी इतना स्ट्रिक्ट था, तब भी हम अंदर रहे थे। इसलिए प्लीज़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी बाहर निकलिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ है। इसलिए सरकार भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं हमारे इधर। बता रहे थे आज ना हमारे पड़ोसी थे, ये पटियाला गए थे, वहाँ बता रहे थे कि वहाँ की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, और वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसलिए प्लीज़ घर पर रहिए, बस अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो चलिए, आज फिर मैं यही, आज मैंने मतलब न्यूज़ देखी थी, तो ऐसे ना दिल एक तरफ खुश हो जाता है तो दूसरी तरफ थोड़ा उदास भी हो जाता है जब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, क्योंकि हमारा देश अब इतनी ज़्यादा इधर पॉपुलेशन है, तो फिर ध्यान ये हमको खुद ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत उत्साह देता है। तो फिर चलिए, अब हम एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।